हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज टेबल ट्रीट्स किचन में बनाते हैं यम्मी एंड इजी रेसिपी। आज बनाते हैं सब्वे स्टाइल चटपटा चना रैप। एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करें और उसमें ड्राई चना मसाला ऐड करें। चना मसाला की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएं। जब खुशबू आने लग जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इस पेस्ट को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं और फिर एक बड़ा कटा हुआ प्याज इसमें ऐड करें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें, बीच बीच में स्टर करते रहें। प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। नमक ध्यान से डालें क्योंकि बॉयल्ड चनों में भी नमक होगा। 1 से 2 मिनट के लिए स्टर कर मसालों को पकने दें। अब इस मसाले में उबले हुए चने ऐड करें। चनों को स्टर करें और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। इससे चने मसाले से कोट हो जाएंगे और उनमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का ऐड करें और टॉस करें। चने अब रेडी हैं, फ्लेम ऑफ कर दें। अब बनाते रैप। मैंने होममेड होल व्हीट चपाती ली है, आप रेडीमेड रैप भी यूज कर सकते हैं। चपाती पर सबसे पहले ग्रीन चटनी की लेयर लगाएं, उसके ऊपर काफी सारे मसाला चना लगाएं। मसाला चना के ऊपर अनियन की स्लाइसेस लगाएं और खीरे की स्लाइसेस भी लगाएं। ये रैप बहुत ही चटपटा और क्रंची बनता है। अब इस रैप को फोल्ड कर लें और बटर पेपर की पॉकेट में पैक कर लें। आप इसे खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, मदर्स डे के लिए अपनी मम्मी को सरप्राइज दे सकते हैं। तो आपको भी अच्छी लगी ना चटपटी रेसिपी? प्लीज़ अपने कमेंट्स में इसे शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।